बेटा जीते रहो। ठीक है, सॉरी दाई मी, जीते रहो बेटा। मिनल अब मेरे पास आके बैठो। आजा। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा है कि आप लोग आ गए। ज़ाहिदा दोस्तों, मैं फोन करके बताने वाली थी हमारे आने का, मैंने ही मना किया उसे। मैं तो घर पर ही होती हूँ ताई अम्मी, आ जाया करें। अब बताएं क्या खाएंगे क्या पिएंगे? हम खाएंगे भी और पिएंगे भी, लेकिन पहले कुछ दो चार बातें तो कर लें। हफ्सा कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो हफ्सा पड़ोस में आंटी है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनकी खैरियत पूछने गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। जी अच्छा अच्छा। और तलाल बेटा आज ऑफिस नहीं गए, सब खैरियत है ना? वो दरअसल भाभी आज सुबह से इसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, तो मैंने और मिनल ने इसे रोका कि आज ऑफिस मत जाओ और घर पर ही थोड़ा रेस्ट कर लो। जी ताई मी, तलाल की तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह सेहत दे, दवा ली तुमने? जी अब काफी बेहतर। बेटा हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी डाल दी है, हालांकि ऑफिस में सारे लोग हमारे पुराने हैं, लेकिन किसकी नियत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाभी, वैसे भी यह आज खुद नहीं जा सका तो इसने अपनी जगह अपने अब्बू को ही भिजवा दिया। मेरा बेटा बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं है, इसकी तरफ से तो आप बेफिक्र रहिए। हम बिल्कुल बेफिक्र हैं आप लोगों की तरफ से, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसीलिए मैं आज आपसे एक बात करने आई हूँ। जी भाभी आप हुक्म कीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाह रही थी कि मिनल और तलाल वहीं हमारे पास आकर रह लें। भाभी तलाल आप ही का बेटा है, लेकिन ये मेरा बड़ा बेटा भी है और मिनल मेरी लाडली बहू, इन दोनों के बगैर तो मैं भी नहीं रह सकती, और वैसे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं तलाल पर, वो इस घर का बड़ा बेटा है, सब छोटे डरते हैं उससे। महीने में दो चार दिनों के लिए अगर रहना चाहे तो इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। पता नहीं क्यों इनकार कर रही हैं अम्मी, इजाजत दे देती तो जान छूटती मेरी दोनों से।